आपका अकाउंट फ्रीज होने का रीजन, पक्का रीजन वही है, 6 मंथ। जब आपने कोटक महिंद्रा बैंक का, आपने जिस दिन आपने अकाउंट खोला था उस दिन आपसे मांगा था पैन कार्ड, मांगा था और पैन कार्ड ऐसे करके आपने दिए थे। वो होता है प्रेजेंट पर्सन एक्टिविटी, प्रेजेंट पर्सन एक्टिविटी और नॉट दिस फुल केवाईसी। फुल केवाईसी करना होगा अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है ना, मेरी जैसा हो रहा है ना, तो मैंने कोटक बैंक के ब्रांच में जाके इसका हल मैंने निकाल लिया। वो बैंक में जाने के बाद इसका हल निकला कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो होना चाहिए आपका एकदम से भी आपको ऐसा फील बाद में नहीं होगा। हाँ, देख रहे हो ना, लापरवाही का नतीजा, लापरवाही। लापरवाही का मतलब ये होता है कि कोटक बैंक ब्रांच में जब आप जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा समझेंगे, वो बात समझना होगा कि ये बात ब्रांच वाले आपको टोपी, आपका सर से आपका टोपी घुमा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसे कि पहले नंबर पे आता है, मैं गया था कोटक बैंक में, उन्होंने बताया कि तुम्हारा अकाउंट इस वजह से फ्रीज हो गया है कि तुमने 10,000 अकाउंट को क्रॉस कर दिया था। फिर ब्रांच वाले ने बताया कि तुमको अब ये अकाउंट तब भी रिफ्रेश होगा जब, ध्यान से, जब तुम एक इंश्योरेंस ना खोल लो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो ना, जब तुम एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खोल लेते हैं ना, तब तक तुम्हारा जो ये अकाउंट है ना, तब तक फ्रीज रहेगा, तब तक। फिर मैंने सोचा अगर ब्रांच वाले कह रहे हो तो सही होगा, शायद गलती तो मेरा ही है। ध्यान से ये भी सुनने का, गलती मेरा है जैसे आपका भी है। ये गलती है कि मैंने भी 6 महीने तक केवाईसी करने का सोचा ही नहीं था। फिर ब्रांच में गया, फिर उन्होंने कहा कि तुमको 3,000 रुपये का पेनल्टी हेल्थ कवर के लिए लगेगा। मैंने भी सोच लिया कि हाँ ले लो, लेकिन मैंने तो सो मैंने फिर सुबह अगले दिन ही फिर 9 बजे मैंने सोचा कि 3,000 रुपीज़ मेरा कटेगा, क्या ये सच है? फिर हेड ऑफिस में फ़ोन किया, 1800-203-9898 समथिंग ऐसा नंबर है, वो नंबर पर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हेड ऑफिस से मुझे पता चला कि ये तो ब्रांच वाले को चाल है, आपसे ये इंश्योरेंस खोल लेगा और उनका नौकरी का लेवल अप लेवल अप लेवल अप करता रहेगा। तो उनको भी लेवल अप लेवल अप लेवल अप अगर करना का है तो सीधा मेरा वीडियो दिखा दो उनको। और या फिर मैं इतना चाहता हूँ कि जब आप ब्रांच में जाओगे ना, तो ब्रांच से एक हेड ऑफिस में फ़ोन कीजिए, तब वो ब्रांच वाले आपको अच्छे से कर लेगा। लेकिन ऐसे भी तुम एक टोपी घुमा सकता है, टोपी घुमाने का बहुत भी रीज़न हो सकता है। मैं जैसे कि मेरा को घुमाया था, लेकिन हेड ऑफिस ने, बालों ने मुझे बचा दिया। कोटक बैंक बढ़िया बैंक है यार, सचमुच बढ़िया बैंक। लेकिन ये ब्रांच के लोग जो होता है ना, एक नंबर का, मतलब छोड़ो, केवाईसी बैंक का, केवाईसी आखिर में बैंक का केवाईसी करने का क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सवाल सबके मन में है। उसका रीज़न, उसका जवाब ये है। पहला होगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, आधार कार्ड के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वो सबमिट होता है ना, फिंगरप्रिंट अगर कैच कर लेता है, तब आपको 48 आवर्स में आपका अकाउंट फ्रीज हट जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फिंगरप्रिंट अगर नहीं ले रहे हो ना, फिंगरप्रिंट नहीं लेने का रीज़न ये हो सकता है कि किसी किसी गांव के अंदर मोबाइल नेटवर्क अगर नहीं रहता है, मतलब CPU वगैरह में नेटवर्क नहीं रहता है, तो फिंगरप्रिंट स्कैन थोड़ा डिले होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि उस मतलब कोटक बैंक में फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करके भी आप फ्रीज को हटा सकते हो। उस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सही आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो देने के बाद आपका 11 दिन से लेकर 12 दिन तक आपका यह फ्रीज हट जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक में जाके ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अमिताभ जी, सब मुझे भी कहना पड़ेगा, देख रहे हो ना, लापरवाही का नतीजा। तो कोटक बैंक का अगर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को मैं बताता रहूँगा। कोटक बैंक का अगर आप अकाउंट खोले हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मदद आपको मिलती रहेगा, आपका चूना लगने से आप बच सकते हो। बैंक में जाके मेरा ये वीडियो देखा देना है, अगर हेड ऑफिस में फ़ोन ना भी किया तो वो लोग समझ जाएंगे। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम। सावधान सतर्क हमेशा रहना चाहिए और आपके आसपास साफ सफाई हमेशा रखना चाहिए।